हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का जंगजू गेमर जे चैनल में इस नए वीडियो के अंदर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि पबजी मोबाइल गेम में सर्वर कैसे चेंज करते हैं, वो भी 60 दिन से पहले पहले। तो गाइस, आपने अपने सर्वर को जानबूझकर या फिर अनजाने में अपने एशिया सर्वर को दूसरे किसी सर्वर में चेंज कर दिया है, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल का आइकन दिखेगा उसको भी दबा करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की जो अपडेट है वो लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सेटिंग में यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो सर्वर इस समय यहाँ पर है वो एशिया में सर्वर है, और यहाँ पर गाइस आप देख रहे हैं कि 80 ms में चल रहा है मेरा एशिया का सर्वर, यहाँ पर 80 ms पिंग में। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पर पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से एशिया में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ किसी भी यहाँ पर सर्वर में, जैसे कि मैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका भी यहाँ पर चेंज होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि मैं यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एशिया में सर्वर में इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर इसे चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं यू आर स्विचिंग द नॉर्थ अमेरिका, यू विल बी अनेबल टू स्विचिंग अगेन फॉर 60 डेज। तो गाइस यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप यहाँ से सर्वर को चेंज कर लेते हैं तो आप दोबारा जब सर्वर को चेंज करेंगे तो दोबारा आप सर्वर को 60 दिन के बाद ही चेंज कर पाएंगे, यहाँ पर ये बोल रहा है। लेकिन हम लोग इसे 60 दिन के पहले पहले ही जहाँ पर आपके सामने आप तुरंत चेंज करके दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओके पर पहले क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो नॉर्थ अमेरिका का वो सर्वर यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक, उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर एशिया सर्वर में वो चेंज करेंगे। तो उसके लिए गाइस हमें क्या करना है, हमें सिंपली गाइस यहाँ पर सेलेक्ट मोड वाले ऑप्शन पे चले जाना है, एंड यहाँ पर गाइस हमें रूम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक, तो रूम वाले ऑप्शन में आने के बाद गाइस क्या करना है हमें कि यहाँ पर क्रिएट रूम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर गाइस जैसे यहाँ पर क्रिएट रूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद गाइस आपको सर्वर चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपके पास एक रूम कार्ड जो होना जरूरी है। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सक पा रहे हैं कि मेरे पास 9 रूम कार्ड है, तो यहाँ पर गाइस मैं एक रूम कार्ड को यहाँ पर यूज करूंगा, तो इस पर हम एक को यूज कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा एक यूज हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट रूम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पर क्रिएट रूम का ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं हम रूम को। तो यहाँ पर गाइस हम TDM मोड में लगाते हैं वेयर हाउस को, एंड उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो पासवर्ड हम नहीं देते। ठीक है, तो पासवर्ड नहीं देते, उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट रूम कर लेते हैं। ठीक है, वेयर हाउस को लगाकर हम यहाँ पर क्रिएट रूम पर कर देते हैं इसको क्रिएट। एंड उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, यहाँ से आपको सर्वर को चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर लगा हुआ है, एंड उसके बाद हम यहाँ से अपने सर्वर को चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एशिया का ऑप्शन, तो हम यहाँ पर एशिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक, तो इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस हमें क्या करना है कि, तो यहाँ पर गाइस हमने एक बंदे को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है रूम में। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि मेरा जो सर्वर है वो इस समय यहाँ पर एशिया में लगा कर मैंने इस मैच को हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर गाइस हमने इस मैच को स्टार्ट कर देना है, एंड उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो चेंज हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैंने स्टेडियम मैच को एशिया सर्वर में लगा कर स्टार्ट किया था, और अब गाइस हम क्या करेंगे कि इस मैच को हम यहाँ पर एग्जिट करते हैं और आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो डेफिनेटली वहाँ पर चेंज हो चुका होगा एशिया सर्वर में। तो हम यहाँ पर गाइस करते हैं इसे एग्जिट, एंड उसके बाद आपको दिखाते हैं अपने सेटिंग में चल के कि एशिया सर्वर में कनेक्ट हमारा जो सर्वर है वो चेंज हो चुका होगा। तो गाइस देखा आपने इस वीडियो में हमने किस तरह से सर्वर को चेंज किया, वो भी 60 दिन से पहले पहले एशिया सर्वर में। तो यार इस तरह से आप भी अपने सर्वर को चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल का आइकन दिखेगा उसको भी दबा करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की जो अपडेट है वो लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।